हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को पुनः आईटीआई टेक्निकल स्किल्स वन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 का सभी आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 4 में पहुंच चुके हैं, जो कि प्रश्न संख्या 4 ऊपर देख रहे हैं। लिखा गया, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, जो कि 10 नंबर का है। और इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न लिखा गया है, जिसमें से आप देखेंगे कुछ प्रश्न हम लिखे हुए हैं, जिसमें ए बी सी करके लिखे हैं। और इसी तरह से इसमें आपको बताया गया है प्रश्न में कि दो ही प्रश्न का आंसर करना है, एनी ऑफ टू। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आप देखेंगे, है ना, कि इसको फ्री हैंड स्केच करना होता है और स्केच करके सभी को आंसर करना होता है, जिसमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको पहला है, दूसरा आप देख रहे हैं कि आरटीडी है, और तीसरा आप देख रहे हैं कि क्रीपिंग टूल्स हैं। इसी तरह से और सारे आपको प्रश्न लिखा गया है पेपर में, जिसमें आपको मैं पढ़ देता हूँ। हाइड्रोमीटर होगा, RS-232 सीरियल फीमेल पोर्ट कनेक्टर होगा, इसके बाद आप देखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, सोल्डरिंग गन होगा। और इस तरह से आप पेपर में देखेंगे कि यहाँ पेपर पे हम दिखाएं, बीच में वीडियो को पॉज करके आप उसे देख लेंगे, और इससे पहले भी हम पेपर में बताए हुए हैं वहाँ पे आंसर क्वेश्चन में, तो वहाँ से आप उसे कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या ए में 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो इसको करेंगे आंसर। इसके बाद हम देखेंगे आरटीडी के बारे में। तो चलते हैं, पहले 7 सेगमेंट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ होता है ना, इसमें कितने आपके लाइनें होगी, कितने रेजिस्टेंस यूज किए जाएंगे, इसमें आपको और सारे एलईडी बल्ब होगा, डायोड होगा, इन सब के बारे में बारी बारी से हम यहाँ से इसके अध्ययन करेंगे। इसके टाइप और यूज के बारे में भी देखेंगे बोर्ड पे, है ना, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, कितने आपके सेगमेंट के बनाए जाते हैं, वो इसमें सभी चीज़ की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देना होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल करें। इसमें आपको 8 पॉइंट नोट करना होगा, जो कि तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा, सातवां और आठवां पॉइंट हुआ। इसको एक बार गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद अभी हॉरिजॉन्टल में सभी लाइनें खींच लेना है, बारी बारी से करके सभी 8 आपको लाइनें खींच लेना है। इसको आप खींचने के बाद इस पे डॉट डॉट कर लेंगे, डॉट करेंगे सभी पॉइंटों पे, बारी बारी से कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। इसके बाद आप सबको इंक्लाइंड ऊपर की तरफ मोड़ देना है बारी बारी से, जो कि इसमें आप देख रहे हैं सभी को हमने मोड़ा। और इसके बाद आपको फिर क्या करना है, डॉट का निशान लगाना है। डॉट का निशान लगाएंगे और उसे सभी को डॉट का निशान कंप्लीट करने के बाद हम बारी बारी से कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके जस्ट बाद हम इसको क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे बढ़ाने के बाद सभी, जब लाइन कंप्लीट हो रही है, मेरी यहाँ पर लास्ट लाइन है या कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि एक करंट लिमिट रजिस्टर होता है, जिसको हम लोग, है ना, लिखते हैं शॉर्ट में CLR। CLR लिख रहे हैं आपके सामने जो आप देख रहे हैं। और इससे पहले आप देखेंगे तो जो पॉइंट डॉट डॉट दिखाए गए थे, इसको बोलते हैं स्विच, और इसका नाम देते हैं ABCDEFG एंड DP। और इसके बाद आप देखेंगे बारी बारी से रजिस्टर हम लगाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि करंट लिमिट रजिस्टर है। तो पहला कंप्लीट किए, इस तरह से दूसरा और तीसरा कंप्लीट करके इस तरह से लास्ट तक हम पहुंच चलेंगे। तो आप तीसरा यहाँ कंप्लीट देख रहे हैं रजिस्टर हुआ, लास्ट वाला भी आपका कंप्लीट यहाँ रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आगे, देख लेंगे इसे कि एक ये आपको सभी के सभी डैश लाइन के अंदर बंद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डैश लाइन दिखा देंगे इसके अंदर, और ये रजिस्टर जो है कुछ वैल्यू का होगा, वो वैल्यू हम लिख देंगे। तो यहाँ पे कितने रजिस्टर है तो आप देख लेंगे, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 × 220 ओम का यहाँ पे रजिस्टेंस लगा होगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपके ये पॉइंट जो हमने इस साइड में बताया था, वो पॉइंट आपको ABCDEFG एंड आपको DP, ठीक है, ये मिलेगा। इसके जस्ट बाद आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपके डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसपे हम A से लेकर G तक के लेटर उसमें लिखे जाते हैं, बाकी और सारे लेटर लिखे जाते हैं। तो उसको देखेंगे हम किस प्रकार से आगे बढ़ता है। तो ये हमको यहाँ पे डिस्प्ले बनाना होगा, ठीक है। तो हम डिस्प्ले बना देते हैं आपको,
और इसको क्या करेंगे, सबको 3D के थ्रू दिखा देंगे। एक इसका लेयर होगा, थिकनेस होगा, तो इस प्रकार से होगा ये, अब देख लेंगे। अब इसी में आपके बनाया जाएगा जो आपको सेगमेंट होगा वो वाला, ठीक है। तो सेगमेंट को हम रेड से दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये डिस्प्ले है। डिस्प्ले के अंदर आपके ये सेगमेंट बनाया गया, कितना आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यही आपका जो है कि 7 को होता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सिंगल लाइन हम दिखाए हुए हैं, तो इसके लिए साथ में हम क्या करते हैं, डबल लाइन देखिए कुछ ना इसका थिकनेस होता है। इसको हम वीडियो में दिखाएंगे आपको यहीं में कि इसका जो कलर किया होगा इस प्रकार से, सभी को हम कलर कर देंगे और दिखाएंगे आपको। मेरे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में लगा हुआ है, इसका यूज किया गया, तो हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से आपको 3 पे जाएगा तो 3 शो करेगा, 2 पे जाएगा तो 2 और 0 पे जाएगा तो 0, ठीक है। तो इसमें हम इसको आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको ये सब किस प्रकार से आपको शो करता है। तो चलिए अभी देख लीजिए, इस प्रकार से आपके पॉइंट इसमें सेगमेंट हो गए। तो ये सेगमेंट का नाम हम लिख देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो ए लिखा मिलेगा, ए के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बी मिलेगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, इसे ई हो जाएगा, और ये आपको एफ हो जाएगा, और बीच में आपको जी मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या है, तो ये आप देखेंगे इसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन है ना एनोड, ठीक है। ये दो टाइप के मिलता है, जैसे 7 सेगमेंट जो होता है, आपको हम टाइप पहले बता दें यहाँ पे कि टाइप जो इसका होता है ये दो टाइप में होता है, ठीक है। एक तो आपको मिलता है कॉमन है ना, दोनों में कॉमन लिखेंगे हम, तो एक हो जाएगा आपको एनोड और एक हो जाएगा कैथोड, ठीक है। ये कॉमन एनोड सेग और कॉमन कैथोड और एनोड दो टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा, ये आपका, हम इसको यहाँ दिया गया स्पेस, जगह नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे है ना, कॉमन एनोड 7 सेगमेंट है ना, यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। और इसके साथ आप आगे देखेंगे तो इसमें आपके वो पिन होता है, ठीक है। तो पिन भी आगे बताया गया कि आपको पिन होगा, तो आप देखेंगे इसमें उसके, हम जस्ट एक वीडियो आपको लिए हुए हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है, उसके हम दिखाएंगे और एक आपको कट दिखाएंगे, जिससे आपको और सारे चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, ये कैसा 2 आपको दिखाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ 3 भी है, यहाँ भी, इसमें आपको हल्की लाइनों से दिख रहा है ये 7 सेगमेंट वाला है, ये देख पा रहे हैं, ये 4 है। तो इस प्रकार से सभी अलग अलग टाइप में आपको दिखेगा, ये मैंने बताया था। और इसके जस्ट बाद आपको बता रहे हैं कि आपको इसमें पिन होता है, वो पिन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको कॉमन एनोड डिस्प्ले होगा और दूसरा कॉमन कैथोड डिस्प्ले होगा, और इसका बनावट देखेंगे यहाँ पे, तो दोनों का अलग अलग, इसमें से दोनों में से कोई एक आपको बनाना था तो आप यहाँ से बनाए होंगे। इसमें आपको टर्मिनल की बात बोले थे मैंने कि आपको यहाँ पर टर्मिनल दिखाया गया है, जो ये पिन होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे बातों को, ठीक है। इसमें और सारे पॉइंट जो हैं उनको हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ होगा। तो यहाँ पे आपके कुछ पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको हम लोग लिखेंगे भी, और उसके बाद यहाँ पे अर्थ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अर्थ लिख देंगे, ये अर्थ का पॉइंट यहाँ है, तो आप लिख भी लेंगे कि यहाँ पे क्या है, इसे अर्थ सिंबल बोलते हैं, ये अर्थ का सिंबल होता है। तो यही आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले था यहाँ पे। तो अब देख लीजिए, अब इसका यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन कार्यों में किया जाता है, ठीक है। देखेंगे डिजिटल है ना, जितने आपके मीटर्स आते हैं है ना, तो जैसे आपके मीटर्स में और सारे हम लिख देते हैं, जैसे आपको वोल्ट मीटर आ रहा है ना, वोल्ट मीटर, आम मीटर है ना, एम्पियर जिसको बोलते हैं, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, और सारे आपको जिसे मल्टी मीटर हो जाएगा है ना, मल्टी मीटर, मल्टीमीटर
है ना, आपको वॉच आता है ना, WATCH वॉच, जो घड़ियाँ आती है, जितने आपको मतलब डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहे हैं उन सभी डिवाइस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर आपको ये सब चीज़ें देखने के मिल जाएगी। जैसे इसके आपको हम थोड़ा सा अलग दिखाते हैं, जैसे कि इसको जैसे हमको थ्री इसमें दिखाना है, तो ये सेगमेंट ए वाले यहाँ पे और फिर बी वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ देखेंगे कि जी मिल जाएगा और जी के साथ साथ सी भी और यहाँ पे डी, यानी कि थ्री जब हमको दिखाना होगा तो ए बी सी और जी होगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के यहाँ दिखाएँ कि आपको इसमें यदि फाइव मतलब फाइव फ्लोर या फाइव टाइम दिखाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से फाइव बना होता है इस तरह से, लेकिन इसको हम स्टेट में दिखाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमको ए मिल जाएगा, यहाँ से, यहाँ से आप देखेंगे तो एफ हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे तो जी हो जाएगा और यहाँ आपको देखेंगे तो सी हो जाएगा और लास्ट में आपको डी वाले सेगमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार के अल्टर टाइम में आपको जीरो भी जब होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे जीरो इस प्रकार से बनेगा स्क्वायर में, तो यहाँ पर ए होगा, आपको देखेंगे कि बी भी मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ई और एफ दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जीरो हो जाएगा, यानी कि आप जैसे फ्लोर लिफ्ट में घूम रहे हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ग्राउंड पे आना होगा जी, तो उसमें आपको जीरो हो जाएगा ग्राउंड पे। आपको मान लीजिए कि फाइव फ्लोर पे जाना है तो फाइव, थ्री फ्लोर पे जाना है तो थ्री, ठीक है। और ये सेगमेंट में आपको देख रहे हैं कि सात को यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको रजिस्टर है, वो कौन सा रजिस्टर है इसको हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे हम सी को लिखते हैं। सी हो गया आपको है ना करेंट और लिमिटिंग और रजिस्टर, रजिस्टर भी लिखा मिलेगा आपको कहीं रजिस्टेंस में मिला होगा, ठीक है। तो हम चलिए रजिस्टेंस ही लिख देते हैं, या इसके जगह पे आपको रजिस्टर भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसे कोई दिक्कत होने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पूरे के पूरे मैंने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब जस्ट रहा कि भाई आरटीडी, ठीक है। तो आरटीडी के हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।